Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss an updates. Hey everyone, this is jyotshnasinghmakeovers and welcome back to my channel. So आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक न्यूली लॉन्च लिपस्टिक जो कि purple.com पे लॉन्च हुई है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि purple.com पे रिसेंटली लॉन्च किया गया है और ये इस तरह की पैकेजिंग में ही आया था. इसके ऊपर कोई हार्ड पैकेजिंग नहीं थी, बस ये सिंपली एक प्लास्टिक रैप था इसके ऊपर और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था. और इसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट वगैरह कहीं पर मेंशन नहीं है इसके केस के ऊपर, बस यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा है डार्लिंग आइजाबेला. ये शेड नेम है इसका प्लेफुल पीच रॉयल्टी, शेड नंबर 13. पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग बिल्कुल फ्लिम्सी है, बिल्कुल भी स्टर्डी पैकेजिंग नहीं है इसकी. और इसका जो लॉक है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतनी ज़्यादा गुड क्वालिटी का लॉक नहीं है इसका. इजीली अगर आपके बैग में थोड़ा सा भी इधर उधर इसको किसी से टकराया तो ये आराम से खुल भी जाएगा. इस तरह का लॉक है बस इसका. अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 125 रुपीज़, जो कि लिपस्टिक के ऊपर भी मेंशन है यहाँ पर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है. और इसके अलावा कोई भी डिटेल, कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं है इस लिपस्टिक केस के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कोई कार्डबोर्ड केस भी नहीं था. और अगर हम purple.com की वेबसाइट पर जाते हैं तो जैसे कि मैंने ये ओपन कर ली है, तो उसमें आप अगर नीचे स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स कुछ मिल जाएंगी कि ये प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, मैट फिनिश लिपस्टिक है और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं कैंडेला वैक्स एंड आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल. और ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और बेनिफिट्स है इसकी नरिशिंग, हाई कलर पे ऑफ, मॉइस्चराइजिंग, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्ट पैकेजिंग. तो कम्प्लीटली मैट फिनिश नहीं है, ये एक क्रीमी मैट फिनिश देता है. और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि इन्होंने बताया कैंडेला वैक्स, आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, तो ये हमारे लिप्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है. ये लिपस्टिक मुझे कल रिसीव हुई थी, जब मैंने इसको लिप्स पे अप्लाई करके देखा तो मुझे उतना ज़्यादा उतना अच्छा कलर पे ऑफ इसका नहीं मिला. अगर मैं इसको हैंड स्वॉच करके दिखाती हूँ आपको तो फिर भी थोड़ा बहुत इसकी पिगमेंटेशन इसकी आ रही है, थोड़ा बहुत कलर पे ऑफ दिख रहा है इसका. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एन वाई बे की रनवे रेंज वाली जो लिपस्टिक थी, आई थिंक 159 रुपीज़ की थी वो, आफ्टर डिस्काउंट वो कभी कभी 99 रुपीज़ की भी हो जाती है या कभी 89 रुपीज़ की भी हो जाती है. तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो ये लिपस्टिक उसके सामने कुछ भी नहीं है. वो लिपस्टिक की पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और उसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा था और सुपर मैट फिनिश थी उसकी, लेकिन इस लिपस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बिल्कुल भी स्टर्डी पैकेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी सी है, जैसे लोकल क्वालिटी लिपस्टिक की होती है वैसी ही पैकेजिंग है इसकी. और अगर शेड रेंज की बात करूँ तो इसमें आपको 15 शेड्स मिल जाएंगे, आप अपने चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हो इसमें. हर इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ही इसमें कलर बनाए गए हैं, लेकिन मैंने जो कलर लिया था ये शेड नंबर 13 है, जो कि इंडियन स्किन टोन के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता. अगर बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हैं आप तो ये मे बी आपके ऊपर सूट कर जाए, अदरवाइज और भी कलर्स हैं इसमें तो वो इंडियन स्किन टोन पर उनमें से मोस्ट ऑफ द कलर्स बिल्कुल सूट कर जाएंगे. तो अब मैं इस लिपस्टिक को आपको लिप्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लिपस्टिक की पिगमेंटेशन कैसी है. मैं इस शेड को अपने लिप्स पे डायरेक्ट अप्लाई करूँगी तो मे बी मैं घोस लग सकती हूँ. कल मैंने ये अप्लाई करके देखा था तो मैं सीरियसली घोस्ट ही लग रही थी, तो इसलिए मैं इस लिपस्टिक को अब कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ. क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एक लाइट शेड हो तो आप कैसा यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वो मैं आपको बताती हूँ. तो पहले मैं आपको डायरेक्टली एक बार लगा के दिखा देती हूँ. तो आप देख सकते हो कई बार स्वाइप करने के बाद ये कलर पे ऑफ आया है इसका और एक्चुअल कलर इसका ये है. अगर आपके पास कुछ ऐसे शेड्स हैं जो इस तरह के जो आपके ऊपर सूट नहीं करते तो आप उसको डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ आप उसके साथ वर्क कर सकते हो. Painted on a shape.
बट मैं इस लिपस्टिक को ऐसे भी लगाना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये शेड ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ आपको वर्क कैसे करना है, मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने कोई डार्क लिपस्टिक शेड लगाया है और वो बहुत ज़्यादा डार्क अगर हो जाता है और आपको उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना है तो इस तरह के लाइट शेड के लिपस्टिक्स आपको यहाँ यूज़ में आ सकते हैं। जैसे कि अगर इस लिपस्टिक को मुझे थोड़ा टोन डाउन करना है तो मैं तो इस तरह के लाइट शेड को मैं यूज़ करती हूँ। तो लिप्स के सेंटर में मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट भी आ गया लिप्स पे। तो अगर आपके पास लाइट शेड नहीं है कोई लिपस्टिक का तो आप अपने वैनिटी पाउच में एक लाइट लिपस्टिक का शेड ज़रूर रखिए ताकि लिप कभी कभी डार्क लिपस्टिक को टोन डाउन करने के लिए ये लाइट लिपस्टिक शेड बहुत काम आते हैं। तो लिप्स पे अप्लाई करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, लाइट लिपस्टिक के साथ वर्क कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप ये रिव्यू वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को आगे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।